यशोमति मैया के नंदलाला। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। कान्हा के दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश। कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देखा है लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? मोटे गणेश जी आए, शीघ्र भोजन करा, बहुत अधिक भूख लगी है इन्हें। तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी? इतने समय तक गणेश जी से तेरी मैया बातें कर रही थी, अब क्या तुझसे भी बात कर रहे? अरे हाँ, मुझसे तो बात ही नहीं की गणेश जी ने। लल्ला, तू इनके भूख की चिंता मत ही कर, इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है। हमें सबसे पहले स्वयंभू गणेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। पंडित जी को संदेशा भिजवाओ और आप सब लोग मेरी सहायता करो। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रभु को बुलाने की पूजा होती है कान्हा। मूर्ति स्थापित करके उनका आवाहन किया जाता है ताकि वे इस मूर्ति में समा जाएं, तभी तो वे हमारी विनती स्वीकार करेंगे। जो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसीलिए गणेश जी मुझसे बात नहीं कर पा रहे। श्री गणपति गजानन महाराज की पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई, आइए हम सब मिलकर इन्हें भोग लगा सकते हैं। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे बहुत सारी बातें करूंगा मैं। मुझे गणेश जी से बातें करनी है, मुझे भी तो आगे जाने दो। मैं भी कान्हा हूँ गणेश जी, आप तक पहुँच के ही रहूंगा मैं। लो गणेश जी, मैं आ गया आपके सामने, चलो बातें करें। क्या हो गया, आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? बोलो गजानन महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज। ओ, इन जयकारों की ध्वनि के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन सबके जाने तक यही प्रतीक्षा करूंगा मैं। सब चल के अब प्रसादी ग्रहण करते हैं, चलिए। अब तो आपको मेरे लिए समय मिल गया मोटे गणेश जी। मैया से आपके बारे में सुन के मैं इतना उत्साहित हो गया था कि
कि मैंने भोजन की ढेर सारी वस्तुएं प्रकट कर दी और वो आपके लिए है। अरे आप क्यों मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? ये लीजिए लड्डू खाइए ना। अब वो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ठीक है मत करो बात, कम से कम एक लड्डू खाने के लिए मुंह तो खोल दो। ये लीजिए। आइए ना। पता है मुझे आपको भी लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है, तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले आप। अभी कुछ नहीं बोल रहे, लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोले हो, अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे कान्हा कहाँ है, भूख लगी होगी उसे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा, जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा, आपके दर्शन करने आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यही वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी आपके इस विग्रह को कलयुगवासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु मैया कान्हा, कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? जी गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, ये देखो ये कैसे संभव है? ये कहाँ होगा जी जी? और ये कैसे होगा? देखो ना जी, जी गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मत ही कहना कि जे भी मेरी कल्पना है। नहीं यशोदा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी, इसको क्या अर्थ हो सकता है? नंद, इनके हाथ ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव।
गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय। सभी ने वृंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया। पर मेरे सारे सखाओं को क्या होगा? समय पे आते ही ना आजकल। आज फिर से विलंब कर दियो ना। कहाँ रह गया था? वसंता ये क्या होगा तुझे? तेरा मुंह इतना विचित्र रंग का कैसे होगा? बताओ ना। तुम सबका साथ तो ठीक है ना? मुख पे, होठो पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है? होठो पे ही ना कहना, जीभ पे भी लगो है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक विशेष फल के कारण हुआ है। फल के कारण? हाँ, एक विशेष और चमत्कारी फल का प्रभाव है ये। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिला ये चमत्कारी फल? और मुझे लिए बिना क्यों गए? वृंदावन के घने वन में मिलते है जी। और वैसे भी ताई जी ने हम सबको तुझे वहां ले जाने से मना किया है। अच्छा, फिर मैया को वन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बना पाओगे काना? इसमें कौन सी विशेष बात है दाओ? बात बोली है मेरी मैया, उन्हें बहलाने में, अपनी मीठी मीठी बातों में फसाने में समय थोड़ी लगता है। कौन जी, क्या करोगे तू? अरे सुबल फैजी की बात बता रहा हूँ, बस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सेवा से भी ना मानी तो मैं करूँगा उनकी प्रशंसा। थोड़ी सी चकलूसी प्रशंसा से फूल जाएगी मैया। और यदि इसे भी सिद्ध ना हुआ फिर मैं हो जाऊंगा भावुक और रो के दिखा दूंगा, फिर झट से मान जाएगी मैया। और फिर हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी सरलता से बहल जाएगी, प्रसन्नता से फूल जाएगी। ठहर ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। यशोमती आ गई। पता है ये यशोदा जिज्जी से नहीं मिली ना, समझो किसी से नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी जेठानी, यशोदा जी हमारे वृंदावन की आत्मा है, समझी उर्मिला जी। वैसे भी गोप गोपियों के गांव ब्याह करके आई हो तो हमारे राजा रानी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा उनसे भेंट कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जे ही पहन के चलूं? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब आपने मुझे ये दिया था, मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है ये। जी बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है और बार बार अपनी मोतियों के माला के बारे में क्यों बोल रही है?
मैं नंदराज और रानी भाभी के लिए मिठाइयाँ बनवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भाभी। पता है हमारे वृंदावन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुस्कान और आंखें तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले। और मुख, मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रदेव स्वयं आ गए हो। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। बस बस, इतनी भी प्रशंसा की आवश्यकता ना है। चाहे वो जितने भी अच्छे हों, पर मेरे मन के राजा तो मेरे पति परमेश्वर ही हैं। अरे नन्ना सा है हमारा राजकुमार, पर तुम्हारा चित ना चुरा ले तो कहना। ये तो संभव ही ना है भाभी। एक बार कान्हा से मिल लो, फिर देखेंगे। मैया मान जाओ ना। ना, चाहे कछु भी कह ले या कछु भी कर ले, वन जाने का प्रश्न ही ना उठता। लल्ला, अभी 2 ही दिन हुए हमें यहाँ वृंदावन आए। हमें तो पता भी ना है यहाँ के वन कैसे हैं, बालकों के लिए सुरक्षित भी है कि ना। पर मैया, अन्य सब बालक तो जाके भी आ गए, मुझे भी उनके तरह चमत्कारी फल खाना है। चमत्कारी फल? हाँ वही वाला, जिससे मुंह का, होंठो का, जीभ का भी रंग विचित्र सा हो जाता है, नीला नीला सा। हो हो, तो जे बोलना। तो मैं अपने लल्ला के लिए वो चमत्कारी फल अर्थात जामुन यही मंगवा दूंगी। पर मैया, असली आनंद तो स्वयं वन जाके तोड़ के खाने में है। जे बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है काना। मित्रों के साथ वन में जाकर वृक्ष से जामुन तोड़ कर खाने में बहुत आनंद आता है, उतना आनंद घर में बैठकर जामुन खाने में ना आतो। तू चिंता मत ही कर, दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जामुन तोड़ कर खाएंगे। ये हुई ना बात। चलो। अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तैयार भी हो गए। नहीं यशोदा, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि ये वन बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। फेरो, मुझे भी खाना है चमत्कारी फल, मैं भी साथ चलूंगी। चमत्कारी फल? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं खाऊं कैसे? ये तो बहुत ऊंचाई पे है। खाना, अब तू अपनी मैया का चमत्कार देख लल्ला। तुझे जे फल खानो है ना, तो अब जे फल स्वयं चल के तेरे पास आएगो, देख तू। यशोदा, जिसे फल खाने हैं उन्हें उसको पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। ये तो आप सही कह रहे हो। लल्ला ले, अब इसे तीव्रता से घुमा के बल लगा के फेंक। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समझ गो मैया। ले फिर से कर। इस बार तो तैयारी भी पूरी की थी, फिर भी ये वहां तक ना गयो।
कान्हा, तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। अब तुझे जिस डाली से जामुन तोड़ने हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर और लक्ष्य साधो। रस्सी पकड़ के जामुन अपनी ओर खींच ले, जा।